सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बिना कुछ किए, बिना किसी स्किल के और बिना इन्वेस्टमेंट किए आप कैसे mariobtc.com से अर्न कर सकते हैं, mariobtc.com से कैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो आए बिना टाइम जाए कि वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लें। गूगल क्रोम खोलने के बाद ये देखिए mariobtc.com का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसके अंदर आपने कलेक्ट फ्री बिटकॉइन भी कर सकते हैं, डेली और वीकली कंटेंट्स भी हैं वो भी कर सकते हैं, नो मिनिमम विड्रॉल्स है, 50% रेफरल कमीशन भी दे रही है ये साइट, ठीक है दोस्तों। और 10 मिनट के अंदर अंदर फ्री बिटकॉइन आप बिना किसी कैप्चा के अर्न कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो गेम भी आप खेल सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको नहीं कहूँगा कि आपने गेम को आपने क्या करना है, खेलना है। यहाँ पे ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन होगा, लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए रिशन न्यू अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये सारे क्या सारा डेटा आपने फिल कर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए योर बिटकॉइन एड्रेस, जो आपका कॉइन बेस का अकाउंट बना होगा, हर बार आपको ये कहता हूँ कि कॉइन बेस पे आप अकाउंट बना लें, नहीं बनाया तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आपने सबसे पहले कॉइन बेस के ऊपर रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद वहाँ से कॉइन बेस का आपने एड्रेस लेना है। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने कैप्चा फिल करना है नीचे, ठीक है, और क्रिएट अकाउंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आप अकाउंट क्रिएट हो जाए, लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने ईमेल में जाके इस अकाउंट को वेरीफाइड भी करना है, ठीक है। तो वेरीफाइड करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सेस लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो पिन दिया होगा, पिन कोड आपने डाल देना है, जो पिन चार लफ्ज़ों का आपने दिया रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो फिर आपने एक्सेस कर लेना है। एक्सेस करने के बाद ये आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, आपके सामने ये देख सकते हैं पैनल आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये देखें कोल्ड माइनिंग बैलेंस जो आ रहा है मेरा 0.0035 आ रहा है, और कैलकुलेटर भी आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखें डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें गेम्स का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें गेम्स का डाउनलोड गेम फॉर PC। ये आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप PC में गेम डाउनलोड करें, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी भी PC हो जाता है, बाज़ूकात वायरसेस भी होते हैं, तो आपको यहाँ इसको मैं कहता हूँ कि क्रॉस करें। और CPU मैनेजर को भी आपने डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि ये भी आपके PC को हैवी कर देगा। और रही बात अब अर्निंग की, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका, ये देखें फोसेट बिटकॉइन फोसेट है, और फोसेट लेवल मेरा जो है, फोकस लेवल जो है मेरा एक चल रहा है। 10 लेवल होते हैं, पहले लेवल में ये 0.004 बिटकॉइन आपको देते हैं, और आगे जिस तरह आपके बिटकॉइन बढ़ते जाएंगे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी और लेवल भी बढ़ता जाएगा। अब बताता हूँ अर्निंग कैसे करनी है। देखिए कलेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप ग्रेट फोसेट और कलेक्ट फ्री बिटकॉइन। आपने कलेक्ट फ्री बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके पास खुलेगा। ये देखिए 5, 6, 4, 7, 3, 2, 1 ये टाइमर चलेगा, और बाज़ूकात आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू विंडो खुल जाती है, पॉप अप साइड होते हैं, परेशान नहीं होना, लेकिन दोबारा आपने साइट के ऊपर आ जाना है। देखिए क्लेम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एक साइट खुल चुकी है, ठीक है दोस्तों, ये साइट पूरी खुलेगी। खुलने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं होता तो आपने दोबारा बैक इस साइट के ऊपर चले जाना है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं ये साइट खुल रही है, एक्सेप्टिंग टू रिकनेक्ट के ऊपर क्लिक करेगा ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रिकनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम, ये देखिए 6 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड चल रहे हैं, ठीक है, और अटैम्प्ट रिकनेक्ट, ठीक है दोस्तों, योर कंप्यूटर कनेक्टेड। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, बैक चले जाना है, ठीक है, बैक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, दोबारा इसके ऊपर क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी, 6 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड वो कोने के ऊपर टाइम चल रहा है, तो ठीक है दोस्तों। यहाँ भी आप जब स्किप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे एक पॉप ऐड दोबारा खुल जाएगा, लेकिन हम परेशान नहीं होना, दोबारा आपने इसी साइड के ऊपर आ जाना है। स्किप ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है दोस्तों, 1 ऐड है, गो टू PHP टोकन के ऊपर जाएगा, थोड़ा आपने वेट करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे, ये देख सकते हैं 4 सतोशी ऐड टू योर फाइनल बैलेंस, मेरे 4 सतोशी जो है बैलेंस में ऐड हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है, दोबारा चले जाना है इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे ये देख सकते हैं कॉन्टेंट्स भी आ रहे हैं, आप कॉन्टेंट्स के ऊपर भी हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेंट्स आ रहे हैं और विड्रॉल के ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पहले तो ये इस तरह आपने अर्निंग करनी है। दूसरा ये देखिए रेफरल है, आपने रेफरल भी बना के अर्निंग कर सकते हैं। फोर्सेट पर आपको 50% रेफरल का कमीशन भी यहाँ पे मिलेगा। ये रेफरल लिंक है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। रेफरल से जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी उतनी आपको फ्री माइनिंग से नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रमोट भी कर सकते हैं आप किसी को, और ये देखिए प्रमोट का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब बात आ गई है विड्रॉल, अभी देखें मेरा टोटल बीटीसी बैलेंस है 0.0009, ठीक है। और जो मेरी माइनिंग हो चुकी है इस बार 3500 हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे विड्रॉल कैसे करना है, ये देखिए डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट करवाना नहीं है, मैंने आपको ये कह दिया कि पैसे लगा के पैसे कमाने का मज़ा नहीं है। तो यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन नज़र आपको आ रहा है ये कोने पे, ठीक है। माई बैलेंस के साथ ये एक डिपॉजिट है और एक विड्रॉल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 0.0005 मिनिमम विड्रॉल जो है 0.0005 BTC है दे रहे, इस 0.005 ट्रांजेक्शन फीस भी है। तो यहाँ पे जब आपका बैलेंस होगा 0.0005 तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेंड पेमेंट फोकस आपके ऊपर क्लिक कर लेना है, या इधर सेंड के ऊपर ही आपका जो वैलिड एड्रेस है ये नज़र आ रहा है मेरा, जैसे कि BTC का लगा हुआ है ये, इसके ऊपर आपकी जो अर्निंग है चली जाएगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सेंड के ऊपर मैंने क्लिक किया है, तो ये क्या कह रहा है, मिनिमम विड्रॉल आपका इतना नहीं है, आप ये सेंड नहीं कर सकते। जब मेरा मतलब बैलेंस 0.005 होगा तो मैं इससे विड्रॉल ले लूँगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर विड्रॉल भी लिया हुआ है, विड्रॉल की हिस्ट्री भी आपको मैंने अभी बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और उसके अलावा नीचे आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई मसला है, परेशानी है साइट के बारे में। तो इनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है info@mariobtc.com, ये 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और हाँ वेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि जो साइट में लाता हूँ हमेशा प्रूफ के साथ लाता हूँ। अगली वीडियो में मैं इसका विड्रॉल लेकर आपको बताऊँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।